बेटा थोड़े से नॉर्मल मुश्किल है, वैसे ही तो बाकी चीजें बहुत सिंपल सी होती हैं, लाइक जस्ट लाइक अ स्टोरी, पहले ये होगा फिर ये होगा। नाम में थोड़ा सा मसला होता है, आई नो, मुझे भी स्टार्ट में हो रहा था, लेकिन तब आप एक से दो दफा पढ़ेंगे तब तक हो जाएगा सॉल्व। अभी अगर मिड होंगे फिर आपकी एक असाइनमेंट होगी, फिर वाइवा होगा, असाइनमेंट असाइनमेंट मिड्स के बाद होगी। आते हैं मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अगर यही पॉलिसी थी तो ऑब्वियसली इसे कंसीडर होंगे। आपके लिए वैसे ऐसी चीज करना ज़्यादा आसान है, एमसीक्यूज की तो ज़्यादा स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। हाँ, एमसीक्यूज बहुत टफ होते हैं, स्पेशली माइक्रो के, जब आप 40 सिनेरियो पे एमसीक्यूज देंगे। बेटा क्विज में वैसे भी नहीं लेता, लेकिन इसमें अच्छा नहीं कुछ किया। आपने पढ़ा कौन सा वायरोलॉजी का? तो कुछ तो नहीं करता मैं, बस लाइक ये जो आपको होती है मिड टर्म असेसमेंट्स और फाइनल्स। आज हम तो ये आ गए थे अपने बच्चे आज ही बोलते हैं। ये कंफर्म है जो आप कह रहे थे कि कंट्रोलर उन्होंने ठीक है, तो सिर्फ मैम सानिया खान है या नाम चाहिए या बाकी सारे जो आपके टीचर्स हैं उन सब ने बोल दिया कि सिर्फ एमसीक्यूज होंगे? मैं कंफर्म कर लेता हूँ। सर अभी तक मैंने जो सुना है कि आपका 1 घंटे का पेपर होगा, उसमें आपके एमसीक्यूज में होंगे और एसीक्यूज में होंगे। और 20% वेटेज। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। जी बेटा। सर ये जो माइक्रो में मतलब सारे लेक्चर्स हैं इनमें ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर ये करनी है? सॉरी, आपकी समझ आपको समझ आई है? नवीन दोबारा रिपीट अपना क्वेश्चन। माइक्रो में सर जो सब लेक्चर्स में ट्रीटमेंट दिया हुआ है हर बैक्टीरिया के आगे, मतलब हर बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, उसमें ड्रग्स नहीं याद करने हैं, तो हाँ सारी हमें याद करनी है क्योंकि हम फार्मा में भी कर लेते हैं, मेडिसिन में भी हो जाती है। हमें मतलब पैथोलॉजी सर ने भी कहा था कि आप लोग ये ना करें क्योंकि ये आप लोग दूसरे सब्जेक्ट में कर लेते हैं। नहीं बेटा, आपने माइक्रो भी याद करनी है क्योंकि हर बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट डिफरेंट है और उसमें आपने वेट ड्रग देनी होती है, तो आपने याद करनी है। बेटा सबको स्लाइड फीचर आ रही है? जी यस सर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कवर किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कॉज करता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे माइकोबैक्टीरियम से, जिस माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, और ये हमने पढ़ा था कि कॉज करेगा लेप्रोसी। सर यस सर माइक्रो के कितने लेक्चर रह गए? बेटा 10 लेक्चर्स हैं, 10।
कल बहुत बहस हुई है, 10 लेक्चर हैं। नहीं सर, कितने लेक्चर रह गए हैं? कितने रह गए हैं? अच्छा, आई थिंक 4-3-4 रह गए हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आज हम पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और ये हमारे पास कॉज करता है लेप्रोसी। यहाँ तक तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। इसके जनरल फीचर्स की बात करें तो बेटा ये भी हमारे पास एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, मुझे बताएं इसका क्या मतलब है एसिड फास्ट का? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर किसी को पता है कि एसिड फास्ट का क्या मतलब होता है तो आप लोग बता दें। सर इनमें माइकोलिक एसिड होता है, माइकोलिक एसिड उसकी तो बनाया था जी सर, फैटी से ज्यादा होते हैं, माइकोलिक से ज्यादा होता है, साइटोग्लाइकेन सेल वॉल नहीं होती, इसलिए आप इन्हें ग्राम स्टेन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए स्पेशल स्टेन यूज करना है जिसे कहते हैं एसिड फास्ट स्टेन। ये भी हमारे पास ऑब्लिगेटेड होते हैं। वो नोकार्डियक सेपरेट जॉनर है, ठीक है, दो जॉनर से एक माइकोबैक्टीरियम थी एक नोकार्डिया था जो कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म थे। तो ये दो फीचर्स इसके कॉमन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के साथ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हम कल्चर कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कौन सी मीडियम पे, ये बंद कर दे पढ़ के आ गए हैं बाय वे में, ये तो नहीं खुला होना बेटा। आप बताएं कौन से मीडियम पे कल्चर करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को? आपने लिया, आपको पता है बेटा ऑब्लिगेटेड ऑफ का मतलब है कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर देयर सर्वाइवल। माइकोलिक से सेल वॉल होता है, दैट इज व्हाई दैट एसिड फास्ट पॉजिटिव। कल्चर की बात कर रहे हैं हम, एलजी मीडियम। हाँ जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हम कल्चर करते हैं एलजी मीडियम पे, यहाँ पे लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम पे। लेकिन जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है इसे हम कल्चर नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारे पास स्किन में और मोस्टली नर्व्स को इन्फेक्ट करता है और आप इसे कल्चर नहीं कर सकते, इट इज वेरी हार्ड टू कल्चर। और ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली इन्फेक्शन कॉज करता है जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिटीज हैं तो यहाँ पर फेस है, फेस या फिर एक्सट्रीमिटीज की स्किन को इन्फेक्ट करेगा, नर्व्स को इन्फेक्ट करेगा, पेरिफेरल नर्व्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो आप इसे कल्चर करना मुश्किल होता है, हार्ड टू कल्चर। And loves to grow in cold temperatures. Loves to grow in cold temperatures. इसलिए हमारे पास mostly infect करता है skin को और peripheral nerves को, ठीक है बच्चों, यहाँ तक clear है सबको? इसे कल्चर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको कल्चरिंग के थ्रू भी हम इसे आइडेंटिफाई नहीं करते। और ये हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर से ग्रो करता है, इसलिए हमारे पास मोस्टली स्किन और पेरिफेरल नर्व्स को इफेक्ट करता है। हमारे पास मोस्टली स्किन और पेरिफेरल नर्व्स को ये इन्फेक्ट करेगा। बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसमें कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, किसी को याद है? लेकिन जब प्राइमरी टीबी होती है जिसमें सारी की सारी इंफेक्शन खुद ब खुद कंटेन हो जाती है, CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स जो कि कन्वर्ट होते हैं TH1 सबसेट में गैमा, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस और फिर CD8 पॉजिटिव टॉक्सिक टी सेल्स आते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे में भी हमारे पास जो प्रीडोमिनेंट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब इसमें भी वही सारी चीजें होंगी कि CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होंगे,
TH1 सबसेट में कन्वर्ट होंगे, TH1 सबसेट प्रोड्यूस करेगा IL-2, 12 इंटरफेरॉन गामा, इनकी वजह से हमारे पास अट्रैक्ट होंगे न्यूट्रोफिल्स सॉरी मैक्रोफेजेस और साथ में CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इस पूरे को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब हमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टिक के लिए एक वैसे कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेक्चर। इसके लिए आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट मोस्टली हमारे पास जो यूजफुल इम्यूनिटी होती है वो होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो इसके लिए फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों रिक्वायर है बेटा, इसमें इसलिए रिक्वायर है क्योंकि ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि अगर इन्हें मौका मिले तो ये सेल के अंदर रहना पसंद करते हैं ज़्यादा देन बीइंग इन द ब्लड और आउटसाइड द सेल। जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं फॉर एग्जाम्पल IgG या फिर IgM एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज सिर्फ वहाँ तक यूजफुल होती हैं जहाँ जब तक कोई चीज़ ब्लड में हो, क्योंकि वो एंटीबॉडी सिर्फ ब्लड में रहती है, वो सेल या फिर टिश्यू के अंदर ही जाती है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर चला जाता है तो एंटीबॉडीज फिर इनके अगेंस्ट इतनी यूजफुल नहीं रहती और फिर आपने इनको ट्रीट करने के लिए आपको रिक्वायर होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्योंकि जो आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मैक्रोफेजेस आते हैं या CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आते हैं, वो काम भी इसी तरीके से करते हैं कि मैक्रोफेजेस पूरे का पूरा सेल इनग्रास कर लेते हैं और जो हमारे पास CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो हमारे पास डैमेजिंग सब्सटेंसेस को सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और सेल दोनों की डेथ हो जाती है। इसलिए हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी हो या फिर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी है वो कौन सी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हार्ट कल्चर, बेटा हमारे पास लेप्रोसी की दो टाइप्स हैं हमारे पास लेप्रोसी की। एक है हमारे पास ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी और एक है हमारे पास लेप्रोमाटस लेप्रोसी। जैसे कि हमने बात की कि जो हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है वो तो हमारे पास इंफेक्ट करेगा स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी हमारे पास ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, CMI रिस्पॉन्स बड़ा स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ये दोनों बेटा लेप्रोसी की ना एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं। पहले आप इन दोनों को समझें कि इन एक्सट्रीम फॉर्म्स में होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि पेशेंट की मैनिफेस्टेशन किस तरह से होती है, ठीक है। तो जो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी है उसमें स्ट्रॉन्ग CMI रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और जो लेप्रोमाटस लेप्रोसी है उसमें हमारे पास वीक होता है CMI रिस्पॉन्स। जब हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो फिर सेल के अंदर बैक्टीरिया बहुत कम होंगे, क्योंकि इसमें इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। तो इसमें स्किन में पेरिफेरल नर्व से बैक्टीरिया बहुत कम होंगे, तो बैक्टीरियल काउंट इसमें क्या होगा बेटा, कम होगा। इसमें बैक्टीरियल काउंट कम होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें CMI रिस्पॉन्स ही नहीं है, बैक्टीरिया हमारे पास अनचेक रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें बैक्टीरियल काउंट काफी हाई होता है। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में बेटा क्या होता है कि जब हमारे पास बैक्टीरियल काउंट बहुत कम है तो वो स्किन को पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज नहीं कर सकता। तो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में जो ये स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज कर दिया वो आपका इम्यून सिस्टम है, वो आपका अपना CMI रिस्पॉन्स है जो कि बैक्टीरिया को किल करते हुए आपकी बॉडी की स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज कर रहा है। इसमें डैमेज कहाँ से हो रहा है, CMI रिस्पॉन्स से। डैमेज इज मीडिएटेड बाय CMI रिस्पॉन्स। लेप्रोमाटस लेप्रोसी की बात करें तो वहां पर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर भी डैमेज कहां से होगा, वहां पर बेटा बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सेल के अंदर, तो वहां पर डैमेज बैक्टीरिया से होगा, समझ रहे हैं। डैमेज इज मीडिएटेड बाय बैक्टीरिया।
इसमें स्ट्रॉन्ग सीएमआई रिस्पॉन्स है ना, इसमें मटेरियल काउंट कम है, वहां भी सीएमआई रिस्पॉन्स पुअर है, वीक है और मटेरियल काउंट हाई है, और इसकी वजह से फिर हमारे पास बैक्टीरिया डैमेज करते हैं आपके स्किन को और पेट को लंग्स को। तो इन दोनों में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस तरह से होगी बेटा, इसमें हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, अब इसमें सीएमआई रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है, बैक्टीरिया को डैमेज कर रहा है, इसमें बड़ी लिमिटेड प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि आपकी बॉडी पे एक या दो हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बन जाएंगे, ठीक है, 1 to 2 हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होंगे। और ये जो पैचेस बन रहे हैं ये भी आपके इम्यून सिस्टम की वजह से बन रहे हैं, ठीक है, की वजह से ही बन रहे हैं। तो इसके 1 to 2 उनको नजर नहीं आ रहा, ऊपर लिखते हैं इसमें हमारे पास 1 to 2 हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होंगे। इसमें हमारे पास वाइड स्प्रेड लीजन्स होंगी क्रोमेटिस नेक्रोसिस में, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया अनचेक डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट सेल्स को अटैक कर रहे हैं, इसलिए इसमें वाइड स्प्रेड मैनिफेस्टेशन होती है, मोस्टली हमारे पास फेस को अफेक्ट करते हैं। इसकी जो क्लासिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो लियोनीन फेसेस होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्किन की थिकनिंग होती है और नेजल नोज की स्किन की थिकनिंग होती है और कैविटी के सराउंडिंग थिकनिंग होती है। ये आपको मैं जाकर डायग्राम दिखाऊंगा कि लियोनीन फेसेस एक्चुअली क्या होते हैं। तो उसमें हमारे पास सिर्फ 1 से 2 हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होते हैं, उसमें हमारे पास वाइड स्प्रेड मैनिफेस्टेशन होती है, इसे हम कहते हैं लियोनीन फेसेस। ट्यूबरक्युलर नेक्रोसिस में आपका इम्यून सिस्टम स्किन के साथ साथ नर्व्स को भी अटैक कर रहा होता है, इसलिए इसमें हमारे पास पेरिफेरल सेंसरी लॉस भी होता है, पेरिफेरल सेंसरी लॉस। जो हमारे पास लेप्रोमाटस लेप्रोसी है इसमें हमारे पास बैक्टीरिया नर्व्स को अटैक नहीं करते, तो नो सेंसेशंस आर अफेक्टेड, ठीक है, इसमें आपकी सेंसेशन इतनी अफेक्ट नहीं होती। अब जिस तरह से हमने बात की थी पीपीटी स्किन टेस्ट की, याद है किसी को क्या था? क्या था? था क्या बेटा वो तो आप बता रहे ना कि पीपीटी स्टैंड फॉर सेकेंडरी है, प्राइमरी भी नहीं करते बेटा, प्राइमरी भी करते हैं। पीपीटी हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा है, क्वांटिफायबल लिपिड टेस्ट। तो पीपीटी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी को पता है पीपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? यहाँ पे तो किसी बच्चे को कुछ नहीं आता। पीपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? पीपीडी स्किन टेस्ट सिंपल से बड़ा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। सर इसमें कौन डी फैंसी इसको स्टैंडर्डिटी और इसमें रेडनेस हो जाती है। अब दोनों ना थोड़ा सा बता दिए, ठीक बता दिए, जवाब में इकट्ठे कर लिए। प्रोटीन बता रहे हैं कि आप प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, स्किन में इंजेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है, इट कैन टेक अप टू अ वीक, लेकिन उसमें रेडनेस प्रोड्यूस होती है, स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है। और बेसिकली अगर आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें इस टेस्ट की, तो उसमें हमारे पास डिले टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, CD4 पॉजिटिव हाइपर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास पीपीडी स्किन टेस्ट है, उसी तरीके से हमारे पास लेप्रोमेन स्किन टेस्ट है। लेप्रोमेन स्किन टेस्ट बिल्कुल सेम है, उसमें आप ट्यूबरकुलोसिस का एंटीजन दे रहे थे, इसमें आप लेप्रे का एंटीजन दे रहे हैं। तो लेप्रोमेन स्किन टेस्ट, पीपीडी स्किन टेस्ट, उनकी पैथोफिजियोलॉजी और इनकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल सेम है। बच्चों समझ आ रही है आप सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए है, एक डीवी के लिए है, एक लेप्रे के लिए है। बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस सर, लेकिन शोर भी आ रहा
और क्या क्या सिर्फ समझ आ रही है लेकिन काफी बेटा आपकी स्टेटमेंट के दूसरा पार्ट है समझ नहीं आया। कैन यू प्लीज रिपीट योर सेल्फ। लेकिन शोर भी आ रहा है बेटा। शोर ना काफी शोर आ रहा है बेटा। अभी आएगा तुम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट और पीपीटी स्क्रीन टेस्ट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। नाम इन कैसे डिस्टेंट है, एक हम कर रहे हैं टीबी के लिए और दूसरा हम कर रहे हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा के लिए। तो हमने बात की थी कि जो हमारे पास पीपीडी स्क्रीन टेस्ट है वो फॉल्स नेगेटिव केस में आएगा, मतलब टेस्ट भी नेगेटिव है, सॉरी हाँ डिजीज है टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। कब आ रहा है जब हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं होगा, जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम ही नहीं होगा तो आपको टेस्ट पॉजिटिव नहीं कहेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है इट इज डिपेंडेंट ऑन इम्यून सिस्टम। इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन हुआ ना हो आपका टेस्ट नेगेटिव आना है। फर्स्ट अगर उसको इन्फेक्शन है आपका टेस्ट फिर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही नहीं है। जो पीपीडी स्क्रीन टेस्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इम्यून सिस्टम। तो हमारे पास ये होता है कि इसी तरह के किसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर इम्यून सिस्टम, वो भी हमारे पास CD4 रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। तो उसके बिल्कुल अप्रोच की बात की है कि हमारे पास जो है बेटा हमने बाकी हमारे पास CMI रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसमें CD4 पॉजिटिव हाइपर टी सेल एक्टिव होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट है वो डिपेंडेंट है CD4 सेल्स पे, और इसमें CD4 सेल्स पूरे फंक्शनल हैं, पूरे एक्टिव हैं और वो इन्फेक्शन को फाइट ऑफ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट भी पॉजिटिव देंगे, तो इसमें पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट इसमें होगा हमारे पास पॉजिटिव। और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोमेटर लेप्रोसी की बात करें तो इसमें हमारे पास CMI रिस्पॉन्स बहुत वीक है ही, तो जब इसमें CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल एक्टिव नहीं होंगे तो इसमें टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसमें होगा नेगेटिव। बेटा यहाँ पे सबको समझ आई है? बेटा यहाँ तक सबको समझ आई? कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? सर ये ट्यूबरकुलोसिस आपने क्या बताया कौन सा है? बेटा ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, वो इसलिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि पेशेंट में स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट पीपीटी स्क्रीन टेस्ट की तरह सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में डिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में हमारे पास स्ट्रॉन्ग CMI रिस्पॉन्स है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और इलेक्ट्रोमेटिक लेप्रोसी की हमने बात की तो उसमें हमारे पास जो CMI रिस्पॉन्स होता है वो वीक होता है, इसलिए उसमें वो टेस्ट दरमियान एक होती है बॉर्डर लाइन केस। और वो हमारे पास पेशेंट में मैनिफेस्ट करती है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली हमारे पास यूनिक फेसेस नहीं होंगे और ना ही हमारे पास एक से दो लीजन होंगे, दरमियान में कहीं पे लाइक फर्स्ट करें 4, 5, 6, 7 इस तरह की लीजन होंगे, ठीक है। और हमारे पास इसके जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत वीक नहीं होता, और जो डैमेज हो रहा होता है वो इम्यून सिस्टम से भी हो रहा होता है और बैक्टीरिया से भी हो रहा होता है, ठीक है। बैक्टीरियल काउंट बिल्कुल जीरो नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, दरमियान में होगी ये कह रहा हूँ, नॉर्मल इसमें कुछ भी नहीं है, ये बीमारी है बेटा।
तो क्या जो क्लिनिकल पिक्चर होगी वो इन दोनों के दरमियान होगी, हमने भी दो एक्सट्रीम फॉर्म्स डिस्कस की हैं। जी क्या आप दोनों के ज्यादा कदम ला रहे हैं लेकिन जो एक्चुअल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा इन दोनों के दरमियान में कहीं होती है। तो आप लेप्रोमिक स्किन टेस्ट पे 100% रिलाय नहीं कर सकते। अगर तो फिर सिर्फ ट्यूबरकुलाइट फॉर्म हो तो फिर तो आपने कहना है कि यार उसमें अगर लेप्रोमिन पॉजिटिव आ रहा है तो लेप्रोसी है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो लेप्रोसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मैं एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, उसमें जो मोस्टली केसेस आते हैं वो दरमियान में आते हैं। उसमें अगर लेप्रोमिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आ भी जाए तो नेगेटिव आ भी जाए तो फिर भी आप उसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि लेप्रोसी है नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें इकट्ठी चल देती हैं। ठीक है, चलिए बेटा स्लाइडों से पढ़ते हैं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी क्या क्या। लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज एन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो दिस बैक्टीरियम ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, इसलिए आप इसे कल्चर नहीं करते। इसे आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में ग्रो कर सकते हैं, सच एज माइस एंड इन मंकीज, और ये हमारे पास लेप्रोसी पास करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेप्रोसी आर डिपेंडेंट ऑन टू फिनोमेना। The bacteria appear to grow better in cooler body temperature, closer to skin surfaces. इसलिए हमारे पास skin और nerves को ज़्यादा affect करता है। The severity of the disease is dependent on the host cell mediated immune response. जो disease की severity है वो depend करती है CMI response पे। ये हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास facultative intracellular organisms हैं, mycobacterium tuberculosis और mycobacterium leprae दोनों। अगर इन दोनों को मौका मिले तो prefer to stay inside the cell. लेप्रोसी की हमारे पास दो फॉर्म है, एक है ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म, दूसरी है लेप्रोमाटस फॉर्म। ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म की बात करें तो इन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी द सीएमआई रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनिज्म लिमिट इट्स ग्रोथ बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फ्यू एसिड फास्ट बैसिलाई आर सीन एंड देयर नोमास कंटेनिंग जायंट सेल्स फॉर्म। इस तरह हमने बात की कि आपको लिमिट आ गया कि इसमें सीएमआई रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया को बैक्टीरिया काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं और हमारे पास ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। ग्रेनुलोमास का आपको पता है कि काम क्या है, उधर इंफेक्शन को कंटेन करना होता है। द नर्व डैमेज सीन लाइकली टू बी कॉज्ड बाय सीएमआई रिस्पॉन्स। इसमें जो नर्व डैमेज हो रहा होता है यहाँ पे स्किन की लीजेंस आ रही होती हैं वो आ रही है सीएमआई रिस्पॉन्स की वजह से। एज देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स एंड द सीएमआई रिस्पॉन्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। The CMI response primarily consists of CD4 positive helper T cells which later convert into TH1 subset and produce IL-2, 12 and interferon gamma. Interferon gamma attack करता है macrophages को, IL-2 और 12 करेंगे CD8 positive cytotoxic T cells को। ठीक है, CMI response में आते हैं macrophages, CD8 positive cytotoxic T cells और साथ में natural killer cells. It is the CMI response that causes nerve damage that is seen in tuberculoid leprosy. ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास डैमेज हो रहा होता है इसमें सीएमआई रिस्पॉन्स हो रहा होता है, इसमें स्किन की लीजेंस भी होंगी और नर्व्स भी डैमेज होंगी जिसकी वजह से पेरिफेरल सेंसरी लॉस हो सकता है। पेशेंट विद ट्यूबरकुलर लेप्रोसी कैन माउंट अ सेल्फ मेडिएटेड डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड थस कंटेनिंग द स्किन डैमेज सो दैट इट इज नॉट एक्सेसिव। स्किन डैमेज इसमें होता है सीएमआई रिस्पॉन्स की वजह से होता है लेकिन इतना एक्सेसिव नहीं होता है एज कम्पेयर टू द अदर एक्सट्रीम। They will have milder and sometimes self-limiting disease. The patient demonstrate localized superficial unilateral skin and nerve involvement. हमारे पास localized lesions होंगी, एक से दो होंगी और साथ में regional nerve involvement होगी। This form of leprosy, they are usually only 1 to 2 skin lesions. They are well-defined, hypopigmented, elevated blotches, thickened superficial nerves, and significant anesthesia of the skin lesions occur. मतलब जहाँ पर आपकी नर्व्स डैमेज हो गई है तो ऑब्वियसली वहाँ से आपको सेंसेस नहीं आएंगे तो वहाँ पर फिर हमारे पास आपको ना पेन फील होगी, ना टेम्परेचर, ना कोल्ड, कुछ नहीं फील होता, तो उसे कहते हैं एनेस्थीसिया। ठीक है, जो हमारे पास ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है इसमें हमारे पास इस तरह की 1 से 2 लीजेंस होती हैं दैट इज इट, और साथ में जहाँ पर लीजेंस होंगी वहाँ पर रीजनल सेंसरी लॉस भी होगा।
अब हम बात करते हैं लेप्रोमाइटिस लेप्रोसी की। लेप्रोमाइटिस लेप्रोसी द सीएमआई रिस्पांस द ऑर्गेनिज्म इज पुअर। इसमें सीएमआई रिस्पांस बहुत ज्यादा वीक होता है एंड द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस तरह निकाल के बैक्टीरियल काउंट इसमें हाई होगा, जहाँ पे लीजन होगी उसमें बैक्टीरियल काउंट हाई होगा। फॉर्मिंग सिस्टाइट्स होंगे रदर देन ग्रैनुलोमास आर फॉर्म। इसमें ग्रैनुलोमास नहीं बन पाते क्योंकि सीएमआई रिस्पांस हमारे पास वीक होता है। The nerve damage seems likely to be caused by direct contact as there are many organisms and the CMI response is poor. The nerve damage या फिर skin damage होना है वो होना है bacteria की वजह से, क्योंकि इसमें CMI response poor है। Leptomatous leprosy में हमारे पास multiple nodular skin lesions होंगी, इसे हम कहते हैं leonine या फिर lion like faces। इसमें हमारे पास multiple skin lesions होंगी, इसमें nerves हमारे पास इतनी effect नहीं होती या इसमें भी tuberculoid leprosy और ये मार्कर हैं लियोनिक फेसेस। यहाँ पे देखिए कि पेशेंट का आईब्रोज डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है, नेजल सेप्टम डैमेज हो चुके हैं, वहाँ पे स्किन लीजन्स हैं, अराउंड द लिप्स लीजन्स हैं, इसे कहते हैं लाइन लाइक यहाँ पे लियोनिक फेसेस। तो ये हमारे पास जो डिस्कस कर रहे थे हम स्पेक्ट्रम के ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में हमारे पास सिंगल लीजन होगी, यहाँ पे 1 to 2 होंगी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में जो लीजन होती है उसके ऊपर हेयर ग्रोथ नहीं होती, लेकिन लेप्रोमाइटिस में हेयर ग्रोथ हो सकती है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी यू नो जैसे कहें ना कि डिफरेंशिएटिंग फीचर है, इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है। जो है वो है सेंसेशन। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में हमारे पास सेंसेशन कम्प्लीटली लॉस होगी क्योंकि उसमें नर्व डैमेज हो रहा है सीएमआई रिस्पॉन्स से। लेप्रोमाइटिस लेप्रोसी में नर्व उतनी डैमेज नहीं होती, स्किन ज़्यादा डैमेज होती है, तो इसमें सेंसेशन हमारे पास इफेक्ट नहीं होगी, इसमें रीजनल एनेस्थीसिया नहीं होगा। ऐसे फास्ट पे चलाए, हाँ ये हमने एक पॉइंट मिस कर दिया कि ये तो हम बात कर चुके हैं कि जो स्किन लीजन है उसमें ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में बैक्टीरिया काम होंगे। तो जब आप उनकी स्किन लीजन की स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी एसिड फास्ट टेस्ट करेंगे तो उसका नेगेटिव आएगा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है ही नहीं ना। और लेप्रोमाइटिस लेप्रोसी में हमारे पास स्किन लीजन में मल्टीपल बैक्टीरिया प्रेजेंट है बिकॉज इट हैज हाई बैक्टीरियल काउंट, तो उस पर जब आप करेंगे एसिड फास्ट टेस्ट वो पॉजिटिव आएगा। और लेप्रोमाइटिस स्किन जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में हमारे पास पॉजिटिव होगा और लेप्रोमाइटिस लेप्रोसी में नेगेटिव होगा। ये तो इसकी दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल क्लिनिकल सिनेरियोस की तो उसमें पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट करता है बॉर्डरलाइन फेस के साथ। उसमें स्किन लीजन हमारे पास सेवरल होती हैं, हेयर ग्रोथ हमारे पास स्लाइटली डिक्रीज होगी, सेंसेशन उसमें मॉडरेटली लॉस होंगी, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोइड में कम्प्लीटली लॉस हो रही है और लेप्रोमाइटिस में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी। तो जो हमारा बॉर्डरलाइन फेज है उसमें बॉर्डरलाइन लॉस होगी, मतलब कुछ स्किन लीजन्स में रीजनल एनेस्थीसिया होगा उसमें नहीं होगा। और जो हमारे पास हेयर ग्रोथ है कुछ में हो रही होगी उसमें नहीं हो रही होगी। और जो एसिड फास्ट स्पेशल है वो प्रेजेंट होंगे। लेप्रोमाइटिस स्किन टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आप पेशेंट की किस एज में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है 60-65 प्लस है तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स वैसे ही कॉम्प्रोमाइज होना है, तो उसमें अगर आप टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आएगा। इसके बजाय अगर आप एक 35 या 30s में किसी पेशेंट का टेस्ट करेंगे जिसका इम्यून रिस्पॉन्स रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें लेप्रोमाइटिस स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो जो एक्चुअल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है इट इज ऑलवेज इन द मिडल इन द बॉर्डरलाइन फेज। ठीक है, सबको समझ आई यहाँ तक? आप इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? लैब डायग्नोसिस में अभी बात की कि इसको आप कल्चर तो कर नहीं सकते, ठीक है, फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप इसे एनिमल्स में एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं ना कर सकते कि जैसे आपके पास पेशेंट है आप एक माइस भी लेते हैं और उसे उसकी स्किन स्क्रैच से बैक्टीरिया निकाल के वहाँ पर इंजेक्ट करें, इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा ना। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप PCR करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो सबसे रैपिड टेस्ट है वो कौन सा है, आप उसकी स्किन लीजन को स्क्रैप करें और उसका ऐसे फास्ट टेस्ट करवा लें। दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड अ कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट। लेकिन PCR की अब हम प्रेफर करते हैं क्योंकि जो एसिड फास्ट टेस्ट है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है, सेंसिटिव है, स्पेसिफिक नहीं है, तो आप PCR टेस्ट आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये तो हमने अभी लास्ट लेक्चर कम्प्लीट किया है, अब हम आज के लेक्चर की बात करेंगे। सबको याद रख समझ आ गई बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ आ गई? यस सर, कोई भी क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन?
अब हम बात करते हैं स्पाइरल शीट्स की। बेटा स्पाइरल शीट्स में हमारे पास स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आते हैं, स्पाइरल या फिर कॉइल बैक्टीरिया। इस तरह से ये स्पाइरल की फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लैजेला होता है, यहाँ पे फ्लैजेला होता है। तो ये स्पाइरल शेप के एरिया हैं, हाईली मोटाइल होते हैं, इसमें हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट स्पीशीज आती हैं, या फिर जॉनराज आते हैं। एक हमारे पास है ट्रैकोइंगमा पैलेटम, दूसरा हमारे पास है बोरेलिया। ब्रीडिंग में आगे फर्स्ट दो तीन स्पीशीज आती हैं जो हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बोरेलिया बर्डॉफ्री, उसके अलावा बोरेलिया रिकरेंटिस भी आता है, बोरेलिया हर्म्सी भी आता है। जी मैं इसलिए सुन रहा हूँ बर्डॉफ्री में, बोरेलिया बर्डॉफ्री है, बोरेलिया रिकरेंटिस है और बोरेलिया हर्म्सी है। और जो हमारे पास तीसरी स्पीशीज है वो है हमारे पास लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा में बेसिकली बड़े ये तीन जॉनराज हैं, एक ट्रैपोनिमा, एक बोरेलिया, एक लेप्टोस्पायरा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है वो है ट्रैपोनिमा पैलेटा। बोरेलिया में आगे फर्दर तीन आती हैं, एक है बर्डॉफ्री, एक है रिकरेंटिस और एक है हर्म्सी। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज बर्डॉफ्री। और जो लेप्टोस्पायरा है इसमें जाकर दो स्पीशीज आती हैं, लेकिन आप इसमें एक ही याद रखें इंटेरोगेंस, क्योंकि दूसरी मैंने भी कभी याद नहीं रखी। इसमें सिर्फ इंटेरोगेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दिन के जनरल फीचर्स की बात करते हैं कि इनके जनरल फीचर्स क्या हैं। बेटा ये तीनों हमारे पास स्पाइरल या फिर कॉइल बैक्टीरिया हैं, तीनों में हमारे पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तीनों हमारे पास मोटाइल बैक्टीरिया हैं। तीनों में जो डिफरेंट, तीनों में जो कॉइल है बेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने थोड़ा सा बनाया है लूज कॉइल, ठीक है, उसका हमारे पास कॉइल इस तरह से टाइट हो सकता है बहुत ज़्यादा। इस तरह से इनकी लाइक अगर आप देखिए अंडर द माइक्रोस्कोप तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट याद रखिए कि बेटा ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं दे आर वेरी थिन, इनमें बहुत ही थिन पेप्टाइडोग्लाइकन, इनमें बहुत ज़्यादा थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है। जब भी हमारे पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है तो वैसे तो आते ही ग्राम नेगेटिव में समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई देम विद ग्राम स्टेन। थिन सेल वॉल है, आप इन्हें ग्राम स्टेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफन दे डू नॉट रिटेन ग्राम स्टेन, फिर आपको इनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल स्टेन यूज करने पड़ते हैं। वो कौन से हैं? वो हमारे पास सिल्वर स्टेन है, सिल्वर स्टेन है, या फिर उसे हम ब्राइट या फिर जियांगजा स्टेन भी कहते हैं। सिल्वर स्टेन और ब्राइट और जियांगजा स्टेन, सिल्वर स्टेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें राइट या फिर जियांगजा स्टेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा इनकी बात करें तो इनको डाइट माइक्रोस्कोप से विजुलाइज नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, साइज इनका काफ़ी छोटा होता है, तो आप इन्हें लाइट माइक्रोस्कोप से इनको देखना मुश्किल होता है। इसके लिए आप स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसे कहते हैं डार्क फील्ड और डार्क ग्राउंड, सेम चीज़ है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। उसके अलावा आप इन्हें हमारे पास फ्लोरोसेंट स्टेन के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट स्टेन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्पाइरोक्लेट्स की, इनमें तीन सब स्पीशीज, जो तीन इंपॉर्टेंट जॉनराज हैं, एक है हमारे पास ट्रैपोनिमा, दूसरा है बोरेलिया, तीसरा है हमारे पास लेप्टोस्पायरा। ट्रैपोनिमा में जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है ट्रैपोनिमा पैलेटम है, बोरेलिया में जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है वो है बोरेलिया बर्डॉफ्री, उसके अलावा आपको बोरेलिया रिकरेंटिस और बोरेलिया हर्म्सी के बारे में पता होना चाहिए।
जो हमारे पास लेप्टोस्पायरा है किसी स्पीशीज की, तीनों हमारे पास स्पाइरल और कोइड बैक्टीरिया है, तीनों हमारे पास मोटाइल है, तीनों हमारे पास थिन बैक्टीरिया है, आप इन्हें ग्राम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इनके लिए हम स्पेशल स्टेन यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो फ्लोरेसेंट स्टेन है, हमारे पास सिल्वर स्टेन है या फिर लाइट जंगल स्टेन है, और माइक्रोस्कोपी की बात करें तो आप इनको लाइट माइक्रोस्कोप से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी स्लैश डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम चीजें हैं। याद सबको क्लियर है? फिर आप हम बात करेंगे सेफोनिया पैलेटम की। ट्रेपेरियमा पैलेटम हमारे पास कॉज करता है सिफिलिस, बाकी जो हमने अभी जो डिस्कस किए हैं वो सारी इस पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। सो मैं वो सारी चीज़ें अपने पी ए टी करूँगा। अब हम बात करते हैं ट्रेपेरियमा पैलेटम की, ये हमारे पास कॉज करता है सिफिलिस। सिफिलिस पता है वो क्या है, पता तो होगा सबको, पढ़ी तो हो गया आपके पहले। यह एक एसटीडी है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसकी ट्रांसमिशन होती है। सिफिलिस की बेटा तीन स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी स्टेज में हमारे पास पेशेंट को क्या साइन और सिम्टम्स होंगे, प्राइमरी स्टेज में पेशेंट को हमारे पास पेनलेस, उसमें पेन नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, पेनलेस चांपे होते हैं पेशेंट को, चांपे आप कह लें कि जख्म वगैरह होंगे, पेनलेस चांपे होते हैं जेनिटल्स पे, या फिर अगर पेशेंट को फिंगर्स पे ट्रांसमिशन नहीं है तो फिंगर्स पे भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे कॉज पेनलेस चांपे ऑन जेनिटल्स, जेनिटल्स पे होंगे और कवर्ड विद एग्रीगेट, एग्रीगेट से कवर होते हैं। पेनलेस में ऐसे इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक बैक्टीरिया है हेमोफिलस डुक है, वो भी हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया है और वो कॉज करता है पेनफुल चांपरे, वो पेनफुल चांपरे कॉज करेगा, दोनों के जो चांपरे होते हैं उनके ऊपर हमारे पास एग्जुडेट्स होते हैं। फर्क यह है कि सिफिलिस में पेनलेस है, उसमें पेनफुल है, हेमोफिलस डुक में पेनफुल चांपरे होते हैं। और डिजिनल इंग्वाइनल लिम्फ एडनोपैथी, मतलब जो हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं उनकी इनलार्जमेंट दोनों में होनी है, तो आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्लिनिकली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पेन, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ बीइंग ऑन देम पेनलेस। पेनलेस चांपे होते हैं और ये हमारे पास खुद ही ठीक हो जाते हैं इन अ मंथ, एक महीने तक ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली पेशेंट्स इसमें ट्रीटमेंट सीक नहीं करते, इसे कहते हैं प्राइमरी सिफिलिस। उसके बाद आती है लेटेंट स्टेज, लेटेंट स्टेज में पेशेंट को कोई भी साइन और सिम्टम नहीं होता, नथिंग, इसलिए हम इसे लेटेंट स्टेज कहते हैं। लेटेंट स्टेज होती है अप टू सिक्स मंथ्स, ठीक है, सिक्स मंथ से लेके ये काफ़ी सालों तक भी जा सकती है। उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस में हमारे पास क्या होगा, बेटा सेकेंडरी सिफिलिस में पेशेंट को सेकेंडरी सिफिलिस में पेशेंट को होती है हमारे पास रैश, मैक्यूलो पैपुलर रैश होती है, ये हमारे पास वहाँ पे होती है, हमारे पास पूरी बॉडी हो सकती है, मैक्यूलो पैपुलर रैश होती है, मोस्टली पूरी बॉडी की होती है, और जो जिसका जो डिफरेंटिएटिंग फीचर है आपकी पाम्स को भी इन्वॉल्व होती है। वैसे जो आप देखेंगे कि आप जितनी भी रैशेज पड़ेंगे वैसे भी सिर्फ तीन चार रैशेज आपकी पाम्स को भी इन्वॉल्व करती हैं, इसे सॉल्व है, तो ये आपकी पाम और सोल दोनों को इन्वॉल्व करेगी। हमने पढ़ा हुआ है जो चिकन पॉक्स होता है उसमें भी आपकी पाम की रैश होती है, डॉर्सल पे होती है, पाम पे होती है, बहुत कम रैशेज जो पाम पे इन्वॉल्व करती है, इसे सॉल्व होता है, इसमें मैक्यूलो पैपुलर रैश होगी, ठीक है। साथ भी पेशेंट बोलते हैं कॉन्डिलोमा लाटा,
क्योंकि आपने वॉट देखे हैं, वॉट मोस्टली लोगों की नेक वगैरह पे होते हैं। चलिए जाके आप चेक देख लीजिएगा, इसमें हमारे पास मॉइस्ट वॉट होते हैं पेशेंट को, लेकिन ये वॉट होते हैं नेक पे नहीं होती है मोस्टली हमारे पास। न्यूक को आपके टेनियस जंक्शन होते हैं, मतलब जहाँ पर मेजर मेम्ब्रेन और स्किन का आपस में कॉन्टेक्ट हो रहा होता है, मोस्टली अराउंड दी एंडल ओपनिंग, वहाँ भी हमारे पास मॉइस्ट टेल लेस वॉट्स होते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं कॉनिलोमा राजा। उसके अलावा पेशेंट को पैची हेयर लॉस हो, ये हेयर लॉस सही से भी हो सकते हैं, मतलब कि हेड से भी हो सकते हैं और इसे कहीं भी हो सकता है, पैची हेयर लॉस होगा। तो सेकेंडरी सिम्पटम्स में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, मैक्यूलर पैपुलर रैश होती है, कॉनिलोमा लॉटा आता है और साथ में पैची हेयर लॉस होगा। जी कॉन्डिलोमा लाटा, एल ए टी ए लाटा, एल ए टी ए, वो होते हैं हमारे पास मॉइस्ट वॉट्स। उसके बाद बेटा होती है टर्शियरी सिफिलिस, टर्शियरी सिफिलिस हमारे पास डेवलप होने में पेशेंट को सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वो डेवलप होते हैं फिर वो बहुत ज्यादा सीरियस होती है। इट कैन टेक ईयर्स टू डेवलप, लेकिन इसे पेशेंट को क्या होगा, फीचर इसमें क्या होंगे, इसमें पेशेंट को गुम्मा पड़ सकता है। बेटा लिखता हूँ, इसमें पेशेंट को गुम्मा बन जाता है, जी यू डबल एम ए गुम्मा से कहते हैं। बेसिकली ये ह्यूज कैनुलोमा होता है, ठीक है। एक तो देखते ना छोटे छोटे कैनुलोमा होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो हमने टीवी में कवर किए हैं, इसमें पेशेंट को एक ह्यूज कैनुलोमा बन जाता है मोस्टली फेस पे, ठीक है। इसे मुझे कहते हैं गुम्मा, आप इसकी पिक्चर भी दे सकते हैं, निकाल ही देते हैं, स्क्रीन शेयर तो हो ही रही है। दिस इज व्हाट अ गुम्मा लुक्स लाइक, ठीक है। जी बेटा बोल भी तो रहा हूँ, सुन ले करें। अच्छा ऐसे पिछले को गुमा डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये और टाइटस डेवलप हो सकते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है और मोस्टली उसकी मीडिया में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से एओर्टा की एक करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस आती है, जिसे कहते हैं ट्री बार अपीयरेंस। ये भी एक पैथोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है। इसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट को एन्यूरिज्म बार्ट, जिस तरह वो दरख्त की होती है ना आउटर लेयर, ट्री बार, ट्री बार किसमें अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एओर्टिक एन्यूरिज्म डेवलप हो सकते हैं। इस एन्यूरिज्म की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि इसकी वजह से एओर्टिक हमारे पास रप्चर हो सकती है, एओर्टा का रप्चर हो सकता है, या फिर एन्यूरिज्म जब लार्ज होता है तो उसकी वजह से ऐसे तरीके से कंप्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्फिगरिया हो सकता है। इसमें हमारे पास एओर्टाइटिस, उसकी वजह से एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है, गुम्मा डेवलप हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को डेवलप हो सकता है न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस आपको नाम से पता चल रहा है कि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट को टेबिस डॉर्साइटिस डेवलप हो सकता है। टेबिस डॉर्साइटिस से एक सेपरेट काफी लंबी पैथोलॉजी है, इसका आप ये याद करके स्पाइनल कॉर्ड में जो डॉर्सल कॉलम में डीसीएमएल सिस्टम होता है उसको जाके अफेक्ट करता है। जो डीसीएमएल सिस्टम है वो आपकी यूजली कैरी करता है प्रोप्रोसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रेशर फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
जब हमारे पास स्टेबल स्टोर सेलस होगा और ये जाके इफेक्ट करेगा डीसीएमएल सिस्टम को, तो आपके हमारे पास प्रोप्रिसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, इन चीजों को डिफरेंशिएट करना, इन चीजों को फील करना आपका, यू कैन लूज ऑल ऑफ दैट, इसको कहते हैं स्टेबल स्टोर सेलस। यहाँ पर इसमें हमारे पास इसके अलावा इसमें ब्लैडर का भी इशू आता है, पेशेंट को इनकॉन्फिडेंस डेवलप हो सकती है, स्टेबल स्टोर सेलस के साथ ही हमारे पास इसमें पैरालिसिस भी डेवलप हो सकता है। हमारे पास काफी सीरियस चीज है, इसमें सबसे पहले घुमास डेवलप होते हैं, फिर हमारे पास एओर्टाइटिस जिसकी वजह से एओर्टिक आर्च एनियुरिज्म जिसकी वजह से रप्चर डेवलप हो सकता है, यहाँ पे कंप्रेशन हो सकती है सराउंडिंग ऑर्गन्स की। और तीसरी चीज है न्यूरोसिफिलिस जिसमें टेबिस डोरसेलस और पैरालिसिस डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास एक चीज होती है जिसे कहते हैं कंजेनिटल सिफिलिस। कंजेंटल सिफिलिस हमारे पास एक टॉर्च इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन हमारे पास वो इन्फेक्शन है जो कि मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है थ्रू प्लेसेंटा। तो अगर मदर को हमारे पास सिफिलिस है एंड शी इज कैरिंग अ बेबी, तो उससे बच्चे को भी हमारे पास सिफिलिस हो सकती है, उसे हम कहते हैं कंजेंटल सिफिलिस। तो कंजेंटल सिफिलिस के फीचर्स क्या होते हैं, बेटा कंजेंटल सिफिलिस में पेशेंट जो बेबी पैदा होगा उसके हमारे से हमारे पास केराटाइटिस हो सकते हैं, क्या जैसे हम आई एन टी मशीन को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सैडल नोज हो सकती है, सैडल नोज, हचिंगसन टीथ हो सकते हैं। आपके मॉलर टीथ होते हैं उनमें पेशेंट की ना डिप्रेशन होगी, उसे हम कहते हैं हचिंगसन टीथ, ठीक है। पेशेंट को एड्स, नर्व डेथनेस हो सकती है। एड्स नर्व डेथनेस क्या होते हैं कि आपके, आपको पता है जो आपकी एड्स नर्व है वो कौन सी है, पता है किसी को? फिफ्टी सेवन है। उसमें डिफेक्ट होता है मिडिल ईयर तक, और जो मिडिल ईयर से आगे डिफेक्ट होते हैं उसकी वजह से होती है सेंसरी न्यूरल डेफनेस, और सेंसरी न्यूरल डेफनेस को आप ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एट नर्व डेफनेस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें स्टेबल शिन्स हो सकती है, मतलब पेशेंट की जो शिन्स हैं आप इस कौन को शिन कहते हैं, ठीक है, वो आपस में कर्व हो सकती, वो कर्व हो सकती है, ठीक है, इसे कहते हैं स्टेबल शिन्स। टिबिया इसमें कर्व हो सकती है, ठीक है। तो कंजेंटल सिफिलिस में ये आपको क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल पिक्चर इस तरह की आ सकती है जी, नहीं ऑब्वियसली जब आपकी शिन जी टेढ़ी या फिर टिबिया कर्व है तो आप किसे चल सकते हैं, अगर दोनों साइड से कर्व है तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते, अगर एक साइड कर्व है तो फिर आप ऑब्वियसली सपोर्ट सब चल सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास स्टेबल शिन्स होंगी, एट्थ नर्व डेफनेस होगी, हचिंगसन टीथ होंगे, इसके अलावा मल्टीपल मदर्स के होते हैं वो भी टीथ की एबनॉर्मैलिटी है, मल्टीपल मॉलर्स, दिस इज आल्सो अ टीथ एबनॉर्मैलिटी, सैडल नोज होगी, कैराटाइटिस होगा। ये हमारे पास सिफिलिस में ये जेनेटिक पिक्चर होगी इन्फेंट में, कंजेनिटल सिफिलिस में। कंजेनिटल सिफिलिस की ट्रांसमिशन कैसे होगी, मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होगी थ्रू प्लेसेंटा। अब हम बात करते हैं कि आप इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे। बिफोर वी डिस्कस द डायग्नोसिस पार्ट, आपको पता होना चाहिए कि जो सिफिलिस है वो दो तरह के एंटीजन प्रोड्यूस करता है, एक होते हैं हमारे पास नॉन स्पेसिफिक एंटीजन, एक होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन। नॉन स्पेसिफिक एंटीजन जो एंटीजन आता है उसे कहते हैं री एजेंट एंटीजन, नॉन स्पेसिफिक एंटीजन। दूसरे जो एंटीजन आते हैं उसे कहते हैं री एजेंट एंटीजन,
ये नॉर्थ प्लस में क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ सिटी प्लस में नहीं बनती, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो सिर्फ सिटी प्लस में प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो रीजन एंटीजन को इसके लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं ऑब्वियसली वो टेस्ट होंगे नॉन स्पेसिफिक। तो वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन से हैं, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है VDRL और RPR। VDRL और RPR ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब ये हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। तो ये हैं हमारे पास सी प्लस को डायग्नोज करने के लिए नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका कौन सा है, वो हमारे पास है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट ये हमारे पास सी प्लस का स्पेसिफिक कंफर्मेटरी टेस्ट है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यही है, पूरी दुनिया में यही यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर आपके पास इसके ऑप्शन नहीं है तो फिर आप करवा सकते हैं ELISA। ELISA दैट इज स्पेसिफिक फॉर सी प्लस, ठीक है, आप इसमें ELISA भी करवा सकते हैं, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है हमारे पास CAT-ABS टेस्ट, या फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टेस्ट हैं, इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास पेशेंट आया प्राइमरी सिफिलिस के साथ, पेनलेस चांपे के साथ, तो आप उसकी स्किन की स्क्रेपिंग को लेके उनको सिल्वर स्टेन से, जो हमने पहले बात की थी, सिल्वर स्टेन से, यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्टेन से, यहाँ पे ब्राइट जेमसा स्टेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिए डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास ये नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं। ये हमारे पास कौन से हैं, ब्लड टेस्ट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट मेरा ऐसा सिंपल है, आपने सिंपली पेशेंट को पेंसिलिन जी देनी है। ट्रीटमेंट में आप पेंसिलिन जी का इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, दैट इज क्योरेबल। पेंसिलिन जी का IM इंजेक्शन देते हैं या फिर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट है। RX का मतलब ट्रीटमेंट होता है। चलिए बेटा, आज हम सिर्फ टाइम हमारे पास कम रह गया, सिर्फ सिफिलिस पूरा करते हैं और फिर ऑब्वियसली अगली क्लास में ब्रेलिया और लेपस वगैरह में करेंगे। आप कितनी क्लास चली है, पक्की बात है ये तो कंप्लीट कर लेते हैं, साढ़े तीन। चलिए फिर ये पूरा करते हैं। लार्जर स्पाइनल चेक्स आर ग्राम नेगेटिव, अदर आर टू थिन टू बी सीन विद अ लाइव माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास थिन होते हैं, आप इन्हें लाइव माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, तो आप इनके लिए यूज करते हैं डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, और स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं सिल्वर स्टेन। ये हमारे पास सिल्वर स्टेन है और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में आपको इस तरह से नजर आते हैं स्पाइरल स्टेन के एरिया। ये हम बात कर रहे हैं ट्रैकोनिया पैलिडम की। तो स्पाइरल फिश हमारे पास स्मॉल मोटाइल सिलेंडर हेलिकल कॉइल फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया हैं, इनके लिए स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक रिक्वायर होती है। उसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरेसेंट स्टेन है, सिल्वर स्टेन है और ब्राइट और जेमसा स्टेन है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है वो हम बात कर चुके हैं कौन कौन से हैं, ट्रैकोनिमा और लेप्टोस्पाइरा और बोरेलिया। आज हमने कवर किया है ट्रैकोनिमा पैलिडम, जो कॉस्पेक्ट है सिफिलिस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आप इसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं, उसके अलावा सिल्वर स्टेन जेमसा स्टेन इसके लिए यूज कर सकते हैं, और आप इन्हें आर्टिफिशियल मीडिया पर कल्चर नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे पास काफी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे इजीली डाई बाय हीटिंग एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और दो तरह के एंटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हमारे पास कौन सा है, रिएजन एंटीबॉडी रिएजन एंटीजन है, और जो स्पेसिफिक एंटीजन आपके केस वो जो होते हैं वो ट्रैकोनिमा पैलिडम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो हमारे पास सिफिलिस क्रॉस करेंगे विनेरियल कंजेनिटल और नॉन विनेरियल। विनेरियल जो कि हमारे पास सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होगी, कंजेनिटल जो कि मदर टू फीटस ट्रांसमिट होगी थ्रू प्लेसेंटा। नॉन विनेरियल वो डिजीज है जो कि हमारे पास डॉक्टर्स को या नर्सेस को ट्रांसमिट होती है थ्रू लिटर प्रिक,
ठीक है, जब डिटेल से आपने किसी पेशेंट का ब्लड लिया उसको सेकंड में सर वो डिटेल आपको लगती है तो उसके थ्रू डॉक्टर या नर्सेज को भी ट्रांसमिट हो सकती है, उसे कहते हैं नॉन मटेरियल डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो 90-95% केसेज हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड केसेज होते हैं, एंट्री थ्रू माइकोजल माइन्यूट इंफेक्शन ऑफ माइकोजा और स्किन, जो इंफेक्शन पीरियड है इसका अप टू मंथ है और जो स्किन इंफेक्टिविटी है इट मैक्सिमम ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द डिजीज, और इसकी 3 स्टेज हैं प्राइमरी स्कैंडरी टर्शरी, और जो लेटेस्ट स्टेज होती है वो तो कह रहे हैं कि ये 10 विंडो है जिसमें पेशेंट को साइन और सिम्टम कोई नहीं होगा लेकिन उसके नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है वो पॉजिटिव होंगे। तो प्राइमरी सिक्नेस में क्या होगा, हार्ट चंक होंगे, पेनलेस होंगे, ये वैस्कुलर होंगे और उनके हमारे पास थिक ग्लेरी एक्सुडेट होगा, ये हमारे पास 1 महीने में स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाएंगे। प्राइमरी सिक्नेस में आपको इस तरह की चांपे नजर आते हैं, ये तो आपको दिखाया हुआ है फिंगर्स पे चांपे, ठीक है, पेनलेस होते हैं लेकिन ये मोस्टली हमारे पास जेनिटल्स पे होते हैं। सेकेंडरी सिक्नेस क्या होती है, सेकेंडरी सिक्नेस हमारे पास 6 महीनों में डेवलप होती है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, पेशेंट उसमें मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होगा फिर, लेकिन प्राइमरी सिक्नेस के बाद लेटेस्ट स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक होगा, फिर जब ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा और जब सेकेंडरी सिक्नेस डेवलप होगी उसमें क्या फीचर्स आएंगे, उसमें मैक्यूलोपैपुलर रैश होगी और हमारे पास म्यूकस पैचेस होंगे और ओरोफेरिंजियल एरिया में कॉन्टिलोमा लाटा होगा, म्यूकोपैरिनियल जंक्शंस पे कॉन्टिलोमा लाटा हमारे पास क्या है वो हमारे पास है मॉइस्ट वाटी लीजेंस होती है मोस्टली अराउंड द इनर ओपनिंग। उसके बाद आती है हमारे पास लेटेंट सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान भी आ सकती है और सेकेंडरी और टर्शियरी के दरमियान भी आ सकती है, तो लेटेंट की कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। टर्शियरी सिफिलिस में हमारे पास डेवलप होने में काफ़ी सालों लग जाते हैं लेकिन इसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगी, जिस तरह हमने बात की कि पेशेंट को एओटाइटिस डेवलप होगा, उसकी वजह से एनुरिज्म होगा, और उसके अलावा हमारे पास इसमें लिवर सिफिलिस, इसमें टेरिस डोर्सलेस हो सकते हैं, जनरल पैरालिसिस हो सकते हैं, उसके अलावा ये जो हम बात कर रहे थे कि सेकेंडरी सिफिलिस में रैश डेवलप होती है, तो ये आपकी पान और सोर्स दोनों को इन्वॉल्व करती है। जनरल सिफिलिस की बात करें तो हमारे पास मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होती है थ्रू प्लेसेंटा और यूजली प्रेगनेंसी के 4th महीने में होती है ट्रांसमिशन, तो इससे पेशेंट को फीचर्स क्या होंगे, इसमें पेशेंट को केराटाइटिस होगा, स्ट्रैडल शेप नोज होगी, हचिनसन टीथ होंगे, मलबेरी मोलर्स होंगे, एट्स नर्व डेफनेस होगी, सेबर सिंग्स होगी। और जो नॉन मेडिकल सिफिलिस है वो डॉक्टर्स और नर्सेज में होती है और मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है। ये देखते पेशेंट को यहाँ पर हमारे पास सडन नोज, सडन नोज होता है कि आपकी जो यहाँ की नोज होती है ये बिल्कुल डिप्रेस होती है और यहाँ से एलिवेट होती है, इसे कहते हैं सडन नोज। और जिस तरह से मैंने बात की कि हचिनसन टीथ में आपके जो ये जो हमारे पास फ्रंट टीथ होते हैं इंसाइसिस होते हैं उनमें आपकी इस तरह डिप्रेशन होती है, और जो मलबेरी मोलर्स होते हैं उनके मोलर्स में सेम इफेक्ट आ रहा होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो आप इसके लिए डार्क ब्राउन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, सिल्वर स्टेनिंग यूज करते हैं और डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट यूज करते हैं। और सोरोजी की बात करें तो उसमें नॉन स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक में हमारे पास आएगा BDRL और RPR, आप ये दोनों याद रखिए, यही दोनों मोस्टली यूज सकते हैं। और जो हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट हैं उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोरोसेंट ट्रेपोनियम एंटीबॉडी एडसॉर्प्शन टेस्ट, इसकी मैं बात कर रहा था फैट एक्स जिसमें कह रहा था, ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। उसके अलावा आप ट्रेपोनियम पैलेटल एंजाइम इम्यूनोएसे या फिर जिसे एलाइजा करते हैं आप वो भी करवा सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, फैट एक्स है। बेटा यहाँ पर हमारा सिफिलिस कवर हो गया, अगर सिफिलिस में कोई क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सब भागना चाह रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिया हमने आज, बेटा सबको समझ आइए कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, मैं तो अच्छा पढ़ा था। चलिए तो माइक्रोफोन पकड़
मार्क्स की मार्क्स की बायोलॉजी चला रहे हैं समझ गए ये मार्क्स ये आप चला रहे अच्छा मेरी बायोलॉजी में तो सब अच्छे मार्क्स दिए थे दो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं सर मैंने आपको ड्रॉप किया ड्रॉप किया नहीं नहीं मैंने यूनिवर्सिटी जनरल एंड कर दिया अच्छा सर मैं तो मुझे तो और अच्छा हुआ है ना तो मुझे आपने 40 मार्क्स दिए नहीं बेटा अच्छा हुआ है जिन्होंने मुझे दिया था उनको मैंने 76 मार्क्स दिए हैं लाइक पिछले वर्ष में एक तो बच्चे थे तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा इकट्ठे आते थे वो मोस्टली एक का नाम था आई थिंक वो उसे डायरेक्टर अवार्ड भी मिला हुआ है उस स्टूडेंट को क्या नाम है उसका आपकी क्लास में था हाँ मेरे घर से नाम निकल गया उनको मैंने 75-76 दिए थे उन्होंने कोई भी 80 में से उन्होंने कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया मैंने मैक्सिमम नंबर दिए हैं 80 में से 76 बेटा वही है ना आपको तो पढ़ के आए मेरे उस तरह से नहीं पढ़ते हाँ हाँ पास तो हो ही जाते हैं सारे मैंने किसी को प्रेरित नहीं ना किया बायोलॉजी में एक दो स्टूडेंट्स हुए होंगे जो एब्सेंट थे वैसे ही कोई फेल नहीं होता चल वायरस से पहले ना हमें बता दीजिए मैं किसी लेक्चर में इससे सुनूंगा लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे ना वाईवाई के बाद या किसी भी असेसमेंट के बाद आते हैं बीच के लिए आते हैं ना जी कि हमारे मार्क्स कम लग गए मैं पहले बच्चे को ना बड़े खुले मार्क्स देता हूँ ठीक है दिल खोल के देता हूँ मैं कभी बच्चों को ना मार्क्स देने की दूसरी नहीं की लाइक अगर आपने अच्छा लिखे है तो मैं पूरे मार्क्स दूंगा ठीक है लेकिन फिर बच्चे आ जाते हैं कि सर जी मुझे बहुत गुस्सा आता है मेरे मेरे ख्याल में 12 रखे हुए थे क्योंकि मेरे पास दो सेक्शन है दो बात तो सुनिए मेरे पास दो सेक्शन है बायोकेमिस्ट्री के मैंने इनके भी 12 रखे हुए थे मैंने कहा मैंने आपके भी 12 रखे हुए हैं चलिए ठीक है मैंने 10 बैठ ही लिए 10 ही लेक्चर है आपके ठीक है 10 में से आपके जी बेटा सर मिड का पैटर्न कांडली एमसीक्यू करते हैं बेटा वो मैं पहले कंफर्म करता हूं कि मुझे तो सर एमसीक्यू का पैटर्न शो कुछ नहीं टीचर ने कहा था कि एमसीक्यू के रेसिपी तो सर वो होता है 40 एमसीक्यू 40 मिनट्स नहीं 40 एमसीक्यू 40 मिनट्स होंगे सर 5 मिनट का पेपर लेते पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टाइम से मैं नहीं ऑन करता ना आपको पूरे 40 मिनट्स ही मिलते मैं भी मैं ही हूं सर 41 मिनट का सर आपको बता देंगे कि सही है मैं गलत बता दिया सर 45 मिनट का सर थोड़ा सोशल में टाइम मिल जाए चलिए मुझे सर ने आप लोग ने बता दिए कितने कितने नंबर चाहिए मैं लगा देता हूं हां हां बिल्कुल कितने चाहिए आपको नाम है देख लिए सारी मोयस को मैंने ये देना है और अच्छा आप हैं आप ठीक है आपको मैंने सी देना है सर मुझे आपका क्या नाम है ईशा मुबारक आपको भी सी है सर ऐसे नहीं है बहुत आपके मामले कितनी मुश्किल मिट दे रही हूँ आप आते हैं बेटा ये जो आपकी ग्रेड लग रही है ये मिट देने के बजाय आप इसमें तो नाम बैठे आपको सी सी लग जाएंगे सब के सब ये सी मामले ठीक है सर सी से स्टार्ट हुई है ना सी फिर बी चलिए ठीक है बेटा क्लास एंड करते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास है हाँ मैं भी चाह रहा हूँ आपकी भी नेक्स्ट क्लास है ना जी ये अच्छा 10 मिनट बढ़े होंगे सर शॉर्ट कितने आएंगे बेटा अभी कंफर्म नहीं है मैं पहले कंफर्म कर लूँ कितने देने हैं शॉर्ट सर आप कंफर्म कर दीजिए हम्म हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे कल तक कंफर्म कर दीजिए हाँ हाँ मैं कल तक
नहीं ये आपका ना सिर्फ पैसे मिलेंगे सर जी का पेपर देने आएंगे हमें चेंज देखेंगे सर लगे आपके सर लगे कार टीचर के नाम से एमएससी लेटर में आप प्लीज ना कराओ दे फिर आप भी ऐसे क्वेश्चन दे नहीं आपको इस राइटिंग समझ आ रहा थी हाँ ये जो आप लिख रहे थे आप लोग तो जानते हैं मेरी सेम ऐसी है मुझे तो नाम समझ आ रहा है मुझे ऐसे आती है मेरे से चीटिंग नहीं होती ऐसे बैठना नहीं आता ठीक है मेरी सेम ऐसी है क्या इससे नहीं समझ आ रही आपको हाँ राइटिंग का मसला नहीं है राइटिंग का मसला नहीं है आप लोग मैं पढ़ के मार्क्स दूंगा सबको ठीक है तो आप लोग ने मेरे पास चेकिंग के लिए नहीं आना मैं सबको पहले खुले मार्क्स देता हूँ अब लास्ट में पता क्या होगा लास्ट में पता क्या होगा मैंने ना एक बच्चों के साथ खुल के मार्क्स दिए बाइबल में उनसे मैंने 8 सवाल सुने हैं उन्होंने मुझे 3 सुनाए हैं 8 से 3 सुनाए हैं और हर सवाल पे 10 नंबर कभी कितने मार्क्स देने चाहिए 30 देने चाहिए मैंने ना एक बच्चे को गलती दे दी 40 ठीक है अच्छा वो मेरे पास आ गई कि सर मेरी रिकॉर्डिंग खोली आपने नंबर कम दिए हैं अब उसके पहले ही मैंने गलती से 40 लगा दी क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे होते हैं कि मेरी गलती हो जाती होती है तो मेरे पास आ गई है तो कहती है कि सर आप ये रिकॉर्डिंग खोल ली मैं आप उनके मार्क्स दिए कम मैंने खोली रिकॉर्डिंग अब मैंने देखा कि उसके 3 सुनाए और मैंने लगाया 40 फिर मैंने उसके कम कट कर दिया मार्क्स तो इस तरह आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं सोचने का टाइम तो होता है हां सोशल में डाल तो मैं टीचर का टाइम वेस्ट करें मतलब इसलिए मार्केटिंग नहीं सोया से ना बड़ा मजा आता है इसका नहीं सर तो लिखा होता पता ही और टीचर देख के एग्जैक्टली आपको पता है मैंने क्या लिखा है आपको पता है मैंने कितना सुनाया है क्योंकि बार बार शक्ल लगाना टीचर को भी तंग करना खुद भी तंग होना क्या फायदा है वो तो ट्राई ना किया था अगले साल के मार्क्स बढ़ने ना देख मैं कम कर देता हूं गलती हो जाती है लेकिन मेरे से गलती अक्सर ये होती है कि मैं नंबर ज्यादा लगा देता हूँ कम मतलब क्योंकि इस तरह पिछले सेशन में 2-3 दफा हुआ कि मैंने बच्चों के मार्क्स गलती से ज्यादा लगा दिए थे और जब वो आए रीचेक के लिए मेरे कम हो गए और फिर वो और लड़े मेरे साथ कि डायरेक्टर साहब को ईमेल लेके गए हो पता नहीं किस किस को ईमेल कर दिया इसके मैंने पढ़ाया नहीं उनकी वापस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे से कोई गलती हुई है तो फिर आप लोग लास्ट में वैसे मैं मार्क्स शुरू में खुले देता हूँ आप देखेंगे जब आपकी असाइनमेंट होगी आप ये तो जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है ना इसमें तो आपके ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है लाइक जितना आपको सही आ जाता है आपके मार्क्स आ जाएंगे इसमें तो गलती वाली गुंजाइश ही है लेकिन जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेता हूँ लाइक जिस तरह लास्ट सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चन लिए थे ना मेरे सबको मैंने सबको भी मार्क्स दिए हालांकि बच्चे इतनी चीजें छोड़ के आते हैं अब इस तरह से ये प्रैक्टिस का ट्रीटमेंट है आप मुझे बताएं मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि आप प्रैक्टिस को कैसे ट्रीट करेंगे बताएं कैसे करेंगे अभी नहीं नहीं मैंने मार्क्स नहीं दिए थे अब देखिए प्रैक्टिस का मैंने ट्रीटमेंट कुछ है तकरीबन सभी बच्चों ने सिर्फ 1-2 बच्चों ने ना पूरा पेपर लिखा है सभी बच्चों ने लिखा कि सर टेटनेस बिना प्रॉब्लम नहीं होंगे टेटनेस अब हम मैंने सबको बताया था कि टेटनेस के पेपर में आप 3 काम करते हो सबसे पहला काम आप क्या करते हो कि आप पेशेंट का जो मूड है उसको क्लीन करेंगे ठीक है ये है कि जब आपके पास पेशेंट है एक्टिव टेटनेस के साथ ये नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो रहा है वो प्रेजेंट कर गया एक्टिव टेटनेस के साथ है आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे सबसे पहले आप मूड को क्लीन करेंगे पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे फिर आप टेटनेस की इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे और फिर आप टेटनेस की वैक्सीन देंगे अब मैंने 3 नंबर का सवाल पूछा जिसमें आपने 3 काम कर सकते हैं बच्चों ने सिर्फ 31 लिखी है तो कितने मार्क्स हैं 2.5 मैंने बच्चों को आगे 2.5 दिए थे एक चीज लिखी थी मैंने बच्चों को बाकी 2.5 दिए बच्चों की राजी नहीं है तो इस बार मेरे ख्याल में फाइनल में भी आपके एमसीक्यूज होने हैं अगर अभी एमसीक्यूज हो रहा है तो फाइनल में भी एमसीक्यूज होंगे सर अच्छा ना मैं इतना टाइम नहीं करता सर आपका टाइम शो आपको पढ़ना पड़ेगा इतनी गलती जो कि राइट कैंसिल कर आप नहीं करनी है और पैसे भी शेयर ठीक है बेटा ठीक है एमसीक्यूज कर लेंगे लेकिन एमसीक्यूज में आप लोगों को मैं कह रहा हूं आप लोगों ने ना ज्यादा बुरी तरह फंसना है
मुश्किल मुश्किल की आप फिर वैसे आप राजी नहीं होना है ना आपको फायदा ये होता है कि देखिए वैसे आपको देखता हूँ 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ 5 नैरेशन है ठीक है और आपने उनको सॉल्व करना है अगर आपको मैं दे रहा हूँ 40 MCQs उसमें 40 सिनेरियोज हैं तो कौन सी चीज ऐसी है 5 सिनेरियोज के 40 सिनेरियोज 40 सिनेरियोज आने चिटिंग नहीं होनी देखिए ना नहीं पता है सर नहीं एक लाइन का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है 5 नंबर करना बेटर है हाँ ये है कि अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको 5 नंबर या 10 नंबर तो वैसे तो नंबर चाहिए अच्छा वैसे लास्ट टाइम मुझे बहुत चिटिंग किया ऑनलाइन इसलिए आप लोगों ने इस साल इसकी अभी भी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए है ना मैंने माइक्रो का पेपर लिया लास्ट सेमेस्टर में लेकिन मेरे बच्चों ने ना फुल स्टॉप इनके सेम थे थोड़ी सी अक्ल के लिए थोड़ी सी अक्ल यूज कर ली ना अक्ल के लिए अक्ल की जरूरत होती है बच्चों के फुल स्टॉप तक सही थे हाँ चलिए चलिए बच्चे मेरे पेपर लेकिन बच्चों ने फुल स्टॉप तक सेल इतनी लाइक उन्होंने चिटिंग की थी मेरे ख्याल में ना एक बच्चे ने सॉल्व किया और सबको सेंड कर दिया बट सबने कॉपी पेस्ट किया आपका 20% रिटर्न भी तो होता है लास्ट सेमेस्टर में इस सेमेस्टर में तो 40% कट गया है रिटर्न और वाइवा पे 20% बेटा वो मैं कंफर्म कर लूंगा मुझे एक्चुअली सीनियर भी गलती मेंबर्स ने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे और एमसीक्यूज भी देंगे हमें तो सब टोटल सब फीचर्स हैं तो उनसे मैं एक बार कंफर्म करता हूं अगर एमसीक्यूज हैं तो वो तो मेरे लिए चेक करना भी आसान है आप भी एमसीक्यूज कह रहे हैं तो वो तो फिर ऑब्वियसली उसी तरह सर एक बार कुछ नहीं होना सर हमारे से ना शॉर्ट क्वेश्चन लेना लेकिन वो भी कह रहे हैं मैं ना मिस मैट्रिक्स से लेती हूं वो भी कह रहे हैं मैं सिंपल सिंपल दूंगा बस ऑनलाइन शेयर जो है कल एमसीक्यू से जाते हैं मुझे कल काफी बच्चों की ईमेल आई थी मैं आपसे पूछ रही थी डिस्कशन आई थी ऑनलाइन सॉरी बेटा आप सब क्या चाहते हैं ऑनलाइन शेयर से बैठे हुए हैं एमसीक्यू से ऐसे क्यों सर एमसीक्यू मैं एक दफा कंफर्म कर लूं उसके बाद एमसीक्यू पे मैं आपको फाइन कर दूंगा लेकिन सर वो होंगे कैसे सिंपल या सिनेरियो बेटा सिनेरियो के ऐसे होंगे सिंपल क्यों होने हैं सर सारे एमसीक्यू सर सारे सारे एमसीक्यू सिनेरियो बेस ही होंगे सर ऐसे तो कोई भी नहीं कर रहा लेकिन सिंपल सिंपल सिनेरियो होंगे ना फॉर एग्जांपल एक पटाखा का सिनेरियो कितना सिंपल है छोटा बच्चा है उसके फेस के हमारे पास हनी क्रस्टेड या फिर गोल्डन कलर लीजेंड्स हैं उसके फेस पे पटाखा बोलिए सर आपने खुद कहा था कि मैं हां लेकिन मेरे निकल के पूरी क्लास को मैं रिप्रेजेंट करूंगी वरना तक बहुत रही है सर आपको पता है सबने रिकॉर्डिंग कर ली थी सबने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था कि करने बात कर रही हूं क्या कह रही हो कैसे रिकॉर्डिंग मैंने चेक की हां मेरे 10 लेक्चर ही हैं और अब सिर्फ एमसीक्यूज ही हैं और तो आंसर योर ठीक है सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़